नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। तो हम राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक की 3 जीके की क्लासेस देख चुके थे, राजस्थान जीके की। अगर आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दी हुई है, लिंक दिया हुआ है, उस पर जाकर देख सकते हो। और साथ में आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हो जहाँ पर अकाउंटेंसी वगैरह के क्वेश्चन दिए हुए हैं, कोऑपरेटिव एक्ट की भी PDF है, ज़्यादातर स्टडी मटेरियल वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जाकर देख सकते हो। तो आज की चौथी क्लास अपनी राजस्थान जीके की। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ पर स्थित है। तो राजस्थान राज्य अभिलेखागार आपका बीकानेर में स्थित है, ठीक है। और बीकानेर में एक किला है, उसका नाम ही मैं बता देता हूँ, जूनागढ़। तो ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए कि जूनागढ़ किला कहाँ पर है, क्योंकि पिछली बार क्वेश्चन आया था कि स्वर्ण नगरी किसे कहते हैं, ठीक है। उसी हिसाब से अगर आ जाए तो बीकानेर में कौन सा गढ़ है, जूनागढ़। जोधपुर में कौन सा गढ़ है, मेहरानगढ़, ठीक है। जोधपुर में कौन सा गढ़ है, मेहरानगढ़ है। और जोधपुर को क्या कहा जाता है, सूर्य नगरी, ठीक है, सूर्य नगरी। तो ऐसा क्वेश्चन आ चुका है पिछली बार, इसलिए मैं आपको ये बता देता हूँ। थोड़ा यहाँ पर MCQ फॉर्मेट जरूर है, लेकिन आपको एकदम अच्छे तरीके से मैं राजस्थान जीके पढ़ाऊंगा, क्योंकि जो भी कोऑपरेटिव का बैंक का एग्जाम देंगे वो बैंकिंग वाले स्टूडेंट है जिनका राजस्थान जीके इतना अच्छा नहीं है। इसलिए मैं हर एक चीज क्या एक क्वेश्चन में 5-7 क्वेश्चन क्या जो है साथ में लाने की कोशिश कर रहा हूं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बीकानेर में क्या राजस्थान राज्य अभिलेखागार है, क्वेश्चन बनने लायक है, ऊपर ऊपर से ही पूछते हैं, ज्यादा डीप नहीं पूछते। और बीकानेर में जो किला है उसका नाम है जूनागढ़, ठीक है। और जोधपुर में जो किला है उसका नाम है मेहरानगढ़। और जोधपुर को कौन सी नगरी कहा जाता है, सूर्य नगरी कहा जाता है, ठीक है। जयपुर, जयपुर में देखो 2 किले, एक तो नाहरगढ़ है और एक जयगढ़ है, ठीक है। नाहरगढ़ और जयगढ़ दोनों किले कहां पर है, दोनों किले हैं कहां पर, जयपुर में। और एक कॉमन सा क्वेश्चन है, जयपुर को क्या कहा जाता है, जयपुर को कहा जाता है गुलाबी नगरी। ये इसलिए बता रहा हूँ कि इजी लग रहे होंगे आपको कई स्टूडेंट्स को, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। पिछला जो एग्जाम हुआ था मैंने खुद ने दिया था बैंकिंग असिस्टेंट का, उसमें आया था एक स्वर्ण नगरी कैसे कहते हैं, स्वर्ण किला कहां पर है, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहां पर है, बीकानेर में। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के एकीकरण का श्रेय किसको जाता है, राजस्थान के एकीकरण का श्रेय किसको जाता है। तो ऑप्शन इसका बी सही होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या जाता है, राजस्थान का एकीकरण का श्रेय जाता है। एकीकरण से क्या तात्पर्य कि राजस्थान जो वर्तमान आपको दिख रहा है उसको एक साथ लाने का श्रेय किसको जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और जो आजादी है उसके टाइम राजस्थान में 19 तो क्या थी, रियासत थी, ठीक है, 19 रियासत और 3 ठिकाने थे। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना आप, 19 रियासत और 3 ठिकाने थे। और राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में हुआ, इससे डीप नहीं पूछेंगे। अगर 7 चरणों में एकीकरण हुआ, अगर एकीकरण से कोई क्वेश्चन आता है तो इससे डीप नहीं आएगा। सबसे पहली बात होगी एकीकरण का श्रेय किसको जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और सब जो कितने रियासत थी जो है आजादी के समय राजस्थान में, 19 ठिकाने कितने थे, 3, और कितने चरणों में हुआ, 7। इससे नीचे जो डीप क्वेश्चन नहीं जाएगा आपका, ठीक है। तो ध्यान रखना 19 रियासत 3 ठिकाने राजस्थान के एकीकरण के समय थे, ठीक है। इन सबका एकीकरण किया गया और वर्तमान राजस्थान आपका क्या आया, स्वरूप में आया। अगला क्वेश्चन, मेवाड़ का जो बिजोलिया आंदोलन है वो किसके नेतृत्व में हुआ। बिजोलिया जो किसान आंदोलन है, बिजोलिया मैं आपको बता दूं वर्तमान में भीलवाड़ा में। ये भी अगर क्वेश्चन पूछ ले कि बिजोलिया जो किसान आंदोलन से संबंधित था वर्तमान किस जिले में है, तो वो क्या है, भीलवाड़ा में, ठीक है। और जो मेवाड़ का बिजोलिया आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ, तो ये विजय सिंह पथिक हुआ, ठीक है, विजय सिंह पथिक के नेतृत्व में। और विजय सिंह पथिक को क्या कहा जाता है, किसान आंदोलन का जनक कहा जाता है। हर एक क्वेश्चन में मैं अच्छे से कराऊंगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर ये क्लास को आप सपोर्ट करोगे तो और अच्छी क्लास में लाऊंगा। किसान आंदोलन का जनक कहा जाता है किसको, विजय सिंह पथिक को, ठीक है। सेठ जमनालाल बजाज जिनका सिक्कर से संबंध था, इन्हें गांधी जी का 5वां पुत्र कहते हैं, गांधी जी का 5वां पुत्र, ठीक है, गांधी जी का 5वां पुत्र किसको कहा जाता है, सेठ जमनालाल बजाज को। और केसर सिंह भारट है, इनके बारे में मैं पिछली क्लास में बता चुका, इन्होंने क्या, जो केसर सिंह भारट है ये क्या, मेवाड़ के राजकवि थे, ठीक है। केसर सिंह भारट ने एक जो चेतावनी राज चुंगटिया नाम से कविता लिखी थी, वो मैं आपको जो है पिछली क्लास में बता चुका, वहां पर जाकर देख सकते हो। तो विजय सिंह पथिक को मेवाड़ का जो बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ था उसका जनक कहा जाता है। भारत का सबसे लंबा चलने वाला आंदोलन था ये, सबसे लंबा चलने वाला आंदोलन, ठीक। और भीलवाड़ा में है बिजोलिया वर्तमान में, और विजय सिंह पथिक को किसान आंदोलन का जनक भी कहा जाता है, और जमनालाल बजाज को क्या कहा जाता है, गांधी जी का 5वां पुत्र। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध राजस्थानी जो लोक नृत्यांगना गुलाबो है उसका संबंध किस नृत्य से। तो देखो गुलाबो का जो संबंध है वो किस नृत्य से, तो एक मिनट, गुलाबो एक नृत्यांगना, एक महिला का नाम है गुलाबो, क्योंकि बैंक वालों के साथ ये है कि उन्होंने राजस्थान जी के कभी देखा भी नहीं है। तो गुलाबो एक क्या महिला नृत्यांगना है, ठीक है। तो महिला नृत्यांगना इसका जो संबंध है वो कालबेलिया से, नृत्य से, कालबेलिया नृत्य। और ये जो बगड़िया नृत्य, कालबेलिया नृत्य, पड़ियाड़ी नृत्य, ये सारे के सारे क्या है, जो कालबेलिया जाती है उनके नृत्य। तो गुलाबों का जो है वो संबंध किससे है, कालबेलिया नृत्य से। और एक कंचन सपेरा, जिनका क्या है, कंचन सपेरा है एक
कंचन सपेरा, उनका संबंध है बागड़िया नृत्य से, कंचन सपेरा ध्यान रखना। कंचन सपेरा का जो संबंध है वो किससे है, बागड़िया नृत्य से। लेकिन यहाँ पर गुलाबों को पूछा तो गुलाबों जो है कालबेलिया, ये मत सोचना कि मतलब इतना डीप को, ये डीप क्वेश्चन नहीं है, ये ऊपर ऊपर के क्वेश्चन है। तो गुलाबों किससे संबंधित है, कालबेलिया नृत्य से। और कालबेलिया जो नृत्य है वो एकमात्र है जो यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची में शामिल है, यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल है, ये विश्व धरोहर सूची में शामिल नृत्य कौन सा है, धरोहर सूची में शामिल। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना, यूनेस्को जो यूएन की एक शाखा है उसका जो जो मतलब जो अपने वर्ल्ड में पूरे दुनिया में जो मेन मेन चीज़ें होती है, जो एक सांस्कृतिक चीज़ें होती है या फिर धरोहर होती है, उनका एक संरक्षण करने के लिए एक लिस्ट होती है। तो यूनेस्को की जो विश्व धरोहर सूची है उसमें कालबेलिया नृत्य भी शामिल है, इसको 2010 में शामिल किया गया था इसमें। ठीक, अगला क्वेश्चन, इनमें से खारे पानी की झील कौन सी है, तो जल्दी बताओ खारे पानी की झील कौन सी है। तो खारे पानी की, राजस्थान में खारे और मीठे पानी दोनों की झीलें पाई जाती है, तो पंचपदरा जो झील है वो खारे पानी की झील है। ठीक है, पंचपदरा वैसे तो बाड़मेर जिले में, वर्तमान बालोतरा जिले में आ गई है ये, क्योंकि जिले 50 हो गए हैं, तो वर्तमान में कौन से जिले में है, बालोतरा में। ठीक, और राज जो फायसागर झील है ये अजमेर में है। और राजस्थान की सबसे बड़ी झील, राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है ये, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, बड़ी मीठी पानी, मीठे पानी की झील कौन सी, जयसमंद। तो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, जयसमंद। अब अगर मैं आपको पूछूं कि सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो राजस्थान की सबसे बड़ी झील सांबर झील है। ठीक है, राजस्थान की सबसे बड़ी झील है सांबर, ये खारे पानी की झील है, तो सबसे बड़ी तो ये। लेकिन मीठे पानी की सबसे बड़ी पूछे तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, जयसमंद हो जाएगा। तो पंचपदरा क्या है, खारे पानी की झील है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला कौन थी। हाँ, ऐसे क्वेश्चन जरूर आ सकते हैं। तो राजस्थान की जो प्रथम महिला राज्यपाल थी श्रीमती प्रतिभा पाटिल, जो राजस्थान की तो थी, इसके साथ साथ ये भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, प्रथम महिला प्रधानमंत्री भी यही थी, ध्यान रखना, प्रथम महिला प्रधानमंत्री। तो क्या हो गया, श्रीमती प्रतिभा पाटिल राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल और भारत की प्रथम महिला, सॉरी प्रधानमंत्री नहीं, मैंने गलत लिख दिया, पहली महिला राष्ट्रपति थी। ठीक है, प्रथम महिला राष्ट्रपति, सॉरी गलती हो गई, प्रधानमंत्री बोल दिया मैंने। तो राजस्थान की राज्यपाल रहने वाली प्रथम महिला कौन थी, प्रतिभा पाटिल, और यही भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति भी थी। ठीक, अगला क्वेश्चन, बासमती किसकी मतलब किस्म है, तो बासमती आपको पता है किसकी है, चावल की किस्म है। ठीक है, ये तो इजी सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, जैसलमेर में कौन सा उत्सव मनाया जाता है, तो जैसलमेर में आपका कौन सा उत्सव आता है, मरु उत्सव। ठीक है, कौन सा, मरु उत्सव, और एक होता है थार उत्सव, थार महोत्सव। ठीक है, थार महोत्सव, तो थार महोत्सव कहाँ पर होता है, बाड़मेर में। ठीक है, थार महोत्सव कहाँ पर होता है, बाड़मेर में, और मरु महोत्सव कहाँ पर होता है, जैसलमेर में। ठीक, अगला क्वेश्चन, एक ये क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन है कि राजस्थान का जो उच्च न्यायालय है वो किस शहर में, तो राजस्थान का उच्च न्यायालय आपका जोधपुर में। ठीक है, और इसकी जो एक शाखा है वो कहाँ, एक शाखा कहाँ पर है, इसकी खंडपीठ कहाँ पर है, जयपुर में। खंडपीठ कहाँ पर है इसकी, जयपुर में। तो ध्यान रखना, राजस्थान का उच्च न्यायालय कहाँ पर है, जोधपुर में, क्योंकि जो तैयारी नहीं करते ना राजस्थान जीके की, उन्हें ये छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन उन्हें नहीं पता होता है, कारण कि वो कभी राजस्थान जीके की तरफ गए ही नहीं है। तो फिर खंडपीठ भी है इसकी एक, वो कहाँ पर है, जयपुर में, लेकिन जो उच्च न्यायालय का मुख्यालय है वो कहाँ पर है, जोधपुर में। अगला क्वेश्चन, भटनेर का किला किस जिले में, भटनेर का किला किस जिले में है, तो भटनेर का किला आपका हनुमानगढ़ में, ध्यान रखना हनुमानगढ़ में, और ये घग्गर नदी के किनारे है, घग्गर नदी के किनारे है भटनेर का किला। और बात हम करें कि अजमेर में कौन सा किला है, तो अजमेर में एक तारागढ़ किला है। ठीक है, तारागढ़। जयपुर में बहुत सारे, मैंने पहले भी बता दिया, नाहरगढ़ है, ठीक है, जयगढ़ है, आमेर का किला है, तो ये किला है। तो देखो हनुमानगढ़ में है भटनेर का किला, ये एक नो कॉमन क्वेश्चन आने के फुल चांस है ऐसे क्वेश्चंस के। अगला क्वेश्चन, राजस्थानी भाषा की कृति पिथल और पाथल के कृति के रचनाकार कौन थे, तो इसका उत्तर होगा कन्यालाल सेठिया। जहाँ पर पिथल और पाथल से मतलब है, पिथल तो हो गया महाराणा प्रताप, और सॉरी पाथल तो महाराणा प्रताप हो गया, और पिथल हो गया आपका पृथ्वीराज राठौड़। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, पिथल और पाथल डायरेक्ट पूछ सकते हैं किसकी कृति है, कन्यालाल सेठिया की। और इनका जन्म हुआ था 1919 में चूरू जिले के सुजानगढ़ में। ठीक है, सुजानगढ़ में हुआ था इनका जन्म, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान
रख सकते हो। आप सपोर्ट करें अच्छे से, मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से क्या एकदम अच्छे से अच्छे तरीके से राजस्थान जीके कवर करवा दूंगा। क्योंकि क्या होता है जीके वाली क्लासेज और क्लासेज होती है ना, इनको कम देखते हैं स्टूडेंट्स, और जो अदर कोई इन्फॉर्मेशन होती है उनको ज़्यादा देखते हैं। तो आप सपोर्ट करें, मैं अच्छे से अच्छे तरीके से आपको करवाऊंगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन, हल्दी घाटी के युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने किस स्थान पर राजधानी घोषित की? तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो आपने जो है जैसे जो 1576 में युद्ध हुआ था हल्दी घाटी का अकबर की सेना और महाराणा प्रताप की सेना में, उसके बाद में जो है महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी के तौर पर बसाया था। अगला क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति का प्रारंभ किस स्थान से हुआ? 1857 की क्रांति का प्रारंभ किस स्थान से हुआ? तो ऑप्शन इसका बी है नसीराबाद, यहां से। और अगर भारत में पूछे तो भारत में आपकी जो क्रांति है वो मेरठ से स्टार्ट हुई थी। ठीक है, और राजस्थान में 1857 की क्रांति कहां से शुरू हुई? नसीराबाद, जो वर्तमान में कहां पर है? अजमेर में। ये क्वेश्चन आपके लायक नहीं है। ये रहा सास बहू का मंदिर, आज का लास्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में सास बहू का मंदिर कहां पर स्थित है? तो राजस्थान में सास बहू का मंदिर है वो आपका कहां पर है? नागदा में। ठीक है, नागदा कहां पर है? उदयपुर में। ठीक, और इसको वैसे किस क्या कहते हैं? शस्त्र बाहू का मंदिर भी कहते हैं, शस्त्र बाहू का मंदिर। तो ये हो गया अपनी जीके की क्लास, 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। मैं आपको क्या है हजारों क्वेश्चन के आसपास कराऊंगा, जब तक एग्जाम नहीं होगा मैं आपको डेली क्लास प्रोवाइड कराऊंगा। बस एक शर्त है कि आप क्या चैनल को सपोर्ट करें, क्लासेज को सपोर्ट करें। धन्यवाद, बने जीवा स्टडी के साथ। अगला 41 नंबर क्वेश्चन है, वहां से हम कल स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।